तुम यहाँ? तो ये है तुम्हारा घर? इंटरेस्टिंग। तंस कर गया? बिल्कुल भी नहीं, अकेले रहते हो, काम भी करते हैं और आजकल बीमार भी तो हो, घर का ख्याल रखना मुश्किल होता है। वैसे भी ये घर वाली का काम है, अब आजकल है नहीं। लेकिन तुम आने से पहले मुझे बता देती, मैं कोई भूलिया ही घर का दुरुस्त कर लेता। मैं मेहमान तो नहीं हूँ जैन, और वैसे भी ये सब अच्छा है। रात को तुमने दवाई ली थी? हाँ ले ली थी, और मैं काफी बेहतर भी हूँ। और थैंक यू सोनिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। अपनों के लिए कुछ करके ना खुशी मिलती है, और वैसे भी मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लेके आता। नहीं नहीं, इट्स फाइन। सोनिया लेट मी गेट समथिंग। किसी के घर में एंटर होने से पहले ना लॉक करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें किसी ने ये सिखाया नहीं है। किसी के घर ये जैन का अपार्टमेंट है? हाँ ये जैन का अपार्टमेंट है, लेकिन आप कौन मैंने पहचाना नहीं। जैन की तबीयत बहुत खराब थी, क्या वो हॉस्पिटल में? अल्लाह ना करे कि उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए। बीमार तो है, लेकिन मैं उसका ख्याल रख रही हूँ हर तरह से। उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, तो वो बहुत बेहतर है। जैन इस वक्त घर पे है या नहीं है? वो मेरे लिए कुछ लेने गया है। मैंने उसको मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। मैं मेरे का ख्याल रखता हूँ। नजर आ रहा है। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया? खैर मैं अपना करवा लेती हूँ। आई एम सोनिया, जैन की बेस्ट फ्रेंड। माना एक तरफा है मेरी मोहब्बत है, अधूरी तो नहीं दिल है मेरा बेखबर, आसन है लफ्ज़ों में कहना मगर। सोनिया? कोई आया था यहाँ पर क्या? नहीं, किसी को आना था क्या? नहीं, वैसे ही पूछा था। क्या मजे की खुशबू आ रही है, मैं प्लेट्स लगा देती हूँ। वैसे तुम्हें सब कुछ करने की क्या जरूरत थी जैन? जैन, तुमने किचन नोटिस किया? क्यों, कोई खास बात है क्या? मैंने किचन साफ किया है, तुमने नोटिस भी नहीं किया। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारा ध्यान जैन? कहीं नहीं। हाँ तुम प्लेट्स निकालो, मैं आता हूँ।
जैन की बेस्ट फ्रेंड। चाहा है तूने जो मिल जाए तुझको वो जरूरी तो नहीं, माना एक तरफा है मेरी मोहब्बत। बीमार तो है लेकिन मैं उसका ख्याल रखती हूँ हर तरह से। तो वो मेरे लिए कुछ लेने गया है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। दिल है मेरा ओ बेखबर, सारा सारा दिन उस लड़के के साथ बाहर रहती है। मुझे तो फिक्र हो रही है मोहसिन कि वो कहीं उसके साथ सीरियस ना हो जाए, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। बेकार फिक्र कर रही हो रूही, सोनिया के दोस्तों में हमेशा लड़के और लड़कियां शामिल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मोहसिन, पहली दफा सोनिया एक लड़के को हमसे मिलवाना चाहती है, ये तो नई बात है ना? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि लड़का कौन है, क्या करता है और उसका खानदान क्या है। जब वो आए तो तुम जरूर तफसील से पूछ लेना, एटलीस्ट हमारे स्टैंडर्ड का तो होना चाहिए ना। देखो रूही, वो अभी कोई रिश्ता लेके नहीं आ रहा और तुम्हें आगे का नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है हमारा अंदाजा गलत हो। मेरा अंदाजा गलत नहीं है मोहसिन, सोनिया उसे पसंद करने लगी है और उसी की वजह से उसने फरा के स्कूल में जॉब की है जहाँ पे वो लड़का एक म्यूजिक टीचर है। मैं सब मालूमात कर चुकी हूँ। क्या खबर लड़का अच्छा हो, मेरा मतलब है हमें ऐसे में इतराज नहीं करना चाहिए। मोहसिन, मैं सोनिया की शादी किसी मामूली हैसियत के लड़के से नहीं करा सकती, वो हमारी इकलौती बेटी है। मोहसिन,